गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर सेकेंड ईयर के स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हमने निर्देशन का अर्थ, उसके क्षेत्र और उसके प्रकृति के बारे में अध्ययन अपन कर चुके हैं कि उसका अर्थ क्या है, निर्देशन का उसके क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है या किस तरह से निर्देशन कार्य करता है। आज हम हमारी बात जो है वो प्रारंभ होती है निर्देशन की आवश्यकता, कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अभी हम सैद्धांतिक बात पर नहीं जाते, पुस्तक में हमारे विषय के अंतर्गत क्या कहा गया है इसकी बात हम बात नहीं करते, पहले हम बात करते हैं आम सामान्य रूप से कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम निर्देशन किसी का निर्देशन प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि जब कभी किसी समस्या से हम उलझ जाते हैं, हमको कोई समस्या आती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए जब स्वयं नहीं सुलझा पाते हैं तो हम किसी अन्य का सहारा लेते हैं, किसी अन्य से उससे संबंधित सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। कोई चीज कार्य करने में कठिनाई आ रही है, किसी कार्य की रूपरेखा नहीं बन रही है, तो हमें एक तरह से कहा जाए कि जीवन के हर क्षेत्र में, क्योंकि जीवन का नाम ही समस्याएं हैं, जब तक समस्या नहीं आएगी मनुष्य प्रयास नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए निरंतर रूप से वो प्रयास करता रहता है, इन प्रयासों में उसे हर तरह की, हर प्रकार की, अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनका समाधान ही निर्देशन के माध्यम से प्राप्त करता है, जो हम हमारे इस विषय के अंतर्गत जाते हैं। क्योंकि इस समय जब किशोरावस्था, इस वर्तमान में काल में किशोरावस्था के बालकों को निर्देशन की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके कुछ कारण है कि इसके पीछे एक सामान्य आम विचार की बात कर रहे हैं, अभी सैद्धांतिक बात पर हम नहीं जा रहे। आम बात ये कि पहले तो संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ और बालक ठहरा है एकल परिवार। अब एकल परिवार में भी माता पिता दोनों ही कार्यशील यानी कि कार्य करते हैं या अपने नौकरी पर बाहर जाते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं या जॉब, अर्थात बालक को घर में जब निर्देशन की आवश्यकता होती है तो उसके पास कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पड़ जाती है शिक्षक, जो बालक के निर्देशन का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो इसी दृष्टि से आज हम बात करेंगे कि निर्देशन किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता अनुभव की जाती है। तो सबसे पहली बात आती है व्यक्तिगत दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से जहां निर्देशन की बात आती है कि आपको निर्देशन क्यों आवश्यक होता है, सबसे पहली बात आ जाती है व्यक्तिगत दृष्टि। व्यक्तिगत दृष्टि यानी कि एक बालक विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए निर्देशन आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है कि व्यक्ति सामान्य गति से अपना कार्य कर रहा है लेकिन उसको समस्या सामने आ रही है। अधिकांश अगर वो समस्या समाधान का उसे अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त है तो वो समस्या का समाधान ढूंढ लेगा, और यदि कहीं ऐसा होता है कि या तो उसको प्रशिक्षण प्राप्ति नहीं है या फिर वो उस बार उसके संदर्भ में समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत दृष्टि से किन किन क्षेत्रों में उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है, पहली चीज आ जाती है उसके शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक वृद्धि से यानी कि बालक शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक जो निर्देशन है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही बालक को आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें विषय से संबंधित समस्या हो सकती है। शैक्षिक क्षेत्र में क्या है, विषय से संबंधित समस्या हो सकती है, विषय चयन से संबंधित समस्या हो सकती है, फिर बाद में ये कहा जाए कि उसे किसी विषय विशेष की किसी बिंदु विशेष पर समस्या हो सकती है। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है जिससे
सामान्य गति से निरंतर आगे बढ़ती है। दूसरा जो इनका क्षेत्र है या दूसरा जो व्यक्तिगत निर्देशन है वो व्यावसायिक परिपक्वता है। व्यावसायिक परिपक्वता यानी कि व्यावसायिक परिपक्वता यानी कि बालक को कौन सा व्यवसाय का चयन करना है, किस व्यवसाय का उसे चयन करना है, उसके क्या व्यवसाय का मतलब व्यवसाय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी कार्य की परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है, कार्य की जो है मतलब की सुविधाएं क्या है उसके अंदर, वातावरण कैसा है, कार्य की स्थितियां मतलब कि यहां पर ये देखा जाए कि एक व्यवसाय क्या है। सबसे पहले उस व्यवसाय के बारे में जानकर फिर उस व्यवसाय के किस तरह से वो अपना व्यवसाय का चयन करे, इसके लिए उसे 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी व्यवसाय उनकी जानकारी बालक को जिस भी क्षेत्र में उसको दी जाती है उसके अनुसार जैसे बालक ने इस विषय इस व्यवसाय को चुना तो अब इस व्यवसाय की व्यवसाय क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके व्यवसाय की कार्य परिस्थितियाँ क्या है, कार्य के समय कितने हैं, इसमें वेतन कितना है, इसमें उसके विकास के अवसर क्या है, मतलब संपूर्ण जानकारी जिसके माध्यम से बालक अपने व्यवसाय की परिपक्वता के बारे में चिंतन कर सके और विषय इस तरह से चुने कि उसे व्यावसायिक परिपक्वता प्राप्त कर सके। फिर बाद में आता है एक बालक की दृष्टि से बालक और व्यवसाय में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके व्यवसाय में और उसे व्यावसायिक विकास किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि और क्या प्रयास करें कि उसके व्यवसाय में वृद्धि हो, उसमें उसके आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है ना, उसके कार्य की क्षमताओं को किस प्रकार से बढ़ा सकता है, योग्यता को किस प्रकार से बढ़ाएगा, यानी कि एक जो व्यवसाय चयन कर चुका है उस व्यक्ति की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो व्यवसाय परिपक्वता में कि जो व्यवसाय कर रहा है जिसको चयन कर चुका है उस व्यवसाय के विकास के लिए या अपने स्वयं के विकास के लिए वो क्या कर सकता है इससे संबंधित उसको निर्देशन प्रदान किया जाए। फिर व्यक्तिगत सामाजिक परिपक्वता यानी कि एक व्यक्ति की जो सामाजिक परिपक्वता है, सामाजिक परिपक्वता यानी कि समाज क्या है, उसका संरचना और उसका संगठन कैसा है, उसके मूल्य क्या है, उसकी जो समाज की जो घनिष्ठता या समाज की परंपरा है, रीति रिवाज कैसे हैं और बालक को इनके साथ किस तरह से समायोजन करना है, इसके लिए एक व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से बालक को निर्देशन प्रदान किया जाए। दूसरी बात आती है यहाँ पर जो आपकी दूसरा जो आता है आपका निर्देशन आवश्यकता है वो सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक यानी कि एक सामाजिक प्राणी की दृष्टि से बात करें या एक समाज में व्यक्ति क्योंकि व्यक्ति समाज का अंग है, समाज की एक इकाई है, समाज से अलग व्यक्ति रह नहीं सकता, इसीलिए उसे सामाजिक दृष्टि से किन किन क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे कि इसको किस तरह के निर्देशन की आवश्यकता होती है तो पहली बात आती है इसकी कि श्रेष्ठ पारिवारिक जीवन के लिए पारिवारिक जीवन यानी कि परिवार क्या है, परिवार के संबंध क्या है, परिवार में किस तरह से रहा जाता है, परिवार के मूल्य क्या है, परिवार के अपनी नीतियां क्या है, पारिवारिक परिस्थितियां कैसे होती है, उसका वातावरण है, तो इस सब के लिए जो एक पारिवारिक जीवन को
निर्देशन प्राप्त होता है क्योंकि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इस इकाई में लोगों का आपस में घनिष्ठता होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है वो है उत्तम नागरिकता। नागरिकता यानी कि एक व्यक्ति में उत्तम नागरिकता के गुणों को कैसे विकसित किया जा सकता है, कौन से नागरिकता के गुण उसमें होने चाहिए जिसके जिनका पालन करते हुए या उन गुणों के माध्यम से आधार पर वो समाज का एक सम्माननीय पद को प्राप्त कर सके, समाज का एक आदरणीय नागरिक बन सके। तीसरी बात जो इसके अंतर्गत आई है वो आती है उसकी मानवीय साधनों या स्रोतों से संबंध, यानी कि उसके मानवीय साधन या स्रोत यानी कि जो समाज के लोग हैं, समाज में रहने वाले उसके अपने समाज के जो व्यक्ति हैं उनके साथ में उसके संबंध कैसे स्थापित करने चाहिए, यानी कि एक समाज के मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं, उनका संगठन या संरचनात्मक ढांचा कैसा होता है, उनके साथ आपस में संबंधों को स्थापित करने के लिए किस प्रकार के मूल्यों का पालन होना चाहिए, किस तरह के गुणों का व्यक्ति में होना आवश्यक है, इस दृष्टि से मानवीय स्रोतों के साथ किस तरह से संबंध और अच्छे घनिष्ठ और श्रेष्ठ संबंधों की स्थापना के लिए निर्देशन प्रदान किया जाता है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है राष्ट्रीय सेवा के लिए निर्देशन। राष्ट्रीय सेवा के लिए यानी कि किस एक राष्ट्र की सेवा के लिए व्यक्ति किस प्रकार से को निर्देशन दिया जा सकता है या उसको राष्ट्र की सेवा व्यक्ति कैसे करे, यानी कि उसका एक अच्छा नागरिक बनके उसके नियमों का पालन करके, उसके मूल्यों का पालन करके, ठीक है, एकता के प्रति सजग एकता की भावना का विकास, राष्ट्रीय विकास की भावना का विकास, यानी कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य है कि उसको एक राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनने के लिए किन किन गुणों का होना अनिवार्य है, कि उसमें एक अच्छे नागरिकता के गुण होने चाहिए, अपने कानून या अपनी सरकार के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, उससे चूंकि हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्र है तो यानी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक गुणों का उसमें किस प्रकार से विकास होना चाहिए, किस प्रकार के लोकतांत्रिक गुण होने चाहिए, हमारे अपने मूल्य कौन से हैं, राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तिगत विकास नहीं राष्ट्रीय विकास के बारे में किस प्रकार से वो चिंतन कर सकता है और किस प्रकार से अपने प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र के विकास की बात सोच सकता है, इससे संबंधित निर्देशों की आवश्यकता होती है। आज हम केवल व्यक्तिगत निर्देशन और राष्ट्रीय निर्देशन सामाजिक निर्देशन की बात करते हैं, कल हम शैक्षिक निर्देशन पर जाएंगे। इस आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि बालक के व्यक्तिक व सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, अर्थात कि निर्देशन की आवश्यकता में व्यक्तिक और सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलिए, निकलते हैं तो मुंह पर मास्क बांधकर या रुमाल बांधकर निकलिए, किसी से बात करते समय 6 फीट की दूरी बनाए रखिए और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए या साबुन से हाथ धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।